नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। अहम सवाल आज यह है कि क्या पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी प्रियंका गांधी के रिमोट कंट्रोल से जुड़ते हैं और चलते हैं। आज इस मुद्दे पर हम बड़ी बहस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको यह बता दें कि पंजाब के फिरोजपुर में पीएम मोदी के सुरक्षा कवच में चूक के बाद सीएम चन्नी ने अपने एक बयान से कांग्रेस को मुश्किल में डाल दिया है। सीएम चन्नी ने बताया कि उन्होंने प्रियंका गांधी को पीएम की सुरक्षा चूक की जानकारी दी थी। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के प्रियंका गांधी को ब्रीफ करने पर बीजेपी ने बड़ा अटैक किया। बीजेपी ने कांग्रेस से पूछा कि आखिर किस हैसियत से मुख्यमंत्री चन्नी ने प्रियंका गांधी को जानकारी दी। इस वक्त आप संबित पात्रा का ट्वीट देख रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने इस मामले में पंजाब सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठाए। उन्होंने लिखा, देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक राष्ट्र के खिलाफ साजिश है, परंतु चन्नी सरकार ने पहले तो 18 घंटे तक एक भी एफआईआर दर्ज नहीं की। एफआईआर हुई तो अज्ञात कैसे? जिसके साथ पुलिस चाय पी रही थी वो लोग अज्ञात हो गए। क्या पीएम की सुरक्षा में चूक की कीमत 200 रुपए जुर्माना है? ये तमाम सवाल अपने ट्वीट के जरिए संबित पात्रा ने उठाए। अब बीजेपी ने जो चन्नी पर आरोप लगाया उसकी गवाही सीएम चन्नी का एक बयान देता है। आप इस बयान को गौर से सुनिए। आपकी सोनिया गांधी जी से बात हुई है तो उन्होंने, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि प्रियंका गांधी जी से बात हुई थी, जो भी यहां बात हुई मैं उनको बता दी थी। तो चरणजीत सिंह चन्नी का बयान आपने सुन लिया, संबित पात्रा का ट्वीट आपने देख लिया, बीजेपी के तमाम आरोप आपने समझ लिए, और इसलिए आज इसका विश्लेषण हम खुद दो पार्टियों के प्रवक्ताओं के जरिए करेंगे। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा जुड़ गए हैं और कांग्रेस की प्रवक्ता अलका लांबा हमारे साथ है। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। संबित, मैं सबसे पहले इस सवाल के साथ आपके पास आ रही हूं, आपको क्यों लगता है कि रिमोट कंट्रोल के जरिए चरणजीत सिंह चन्नी चलाए जा रहे हैं और ये पूरी घटना रिमोट कंट्रोल के जरिए ऑपरेट हुई है? देखिए मीनाक्षी जी, सत्य को किसी प्रकार के साक्ष्य की आवश्यकता नहीं है और सत्य खुद बोलता है। और आपने भी चन्नी साहब के उस बाइट को दिखाया, अभी चन्नी साहब खुद बाइट में कह रहे हैं। और याद करिए, उस बाइट में चन्नी साहब से पूछा जा रहा है कि क्या आपने सोनिया जी से बात की, तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने प्रियंका वाड्रा जी को ब्रीफ करके बता दिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सुरक्षा को लेकर जो भी व्यवस्था रही थी, जो भी विषय हुआ, उन सारे विषयों पर चर्चा मेरी प्रियंका वाड्रा जी से हो गई है। अब सवाल उठता है कि पंजाब में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सुरक्षा के चाक चौबंद में एक प्रकार से सेंध लगता है, उसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है। ये सारे विषय को अगर किसी को ब्रीफ करना है, वो सिटिंग मुख्यमंत्री है चन्नी साहब। चन्नी साहब एक पार्टी पॉलिटिशियन नहीं है, वो एक सिटिंग मुख्यमंत्री है। इस गंभीर संवेदनशील विषय को यदि उन्हें किसी को ब्रीफ करना है तो कॉन्स्टिट्यूशनली वो उसे एमएचए को ब्रीफ कर सकते हैं, वो उसे एनआईए को ब्रीफ कर सकते हैं, वो उसे पीएमओ में ब्रीफ कर सकते हैं। मगर वो ब्रीफ कर भी रहे हैं तो किसे ब्रीफ कर रहे हैं? प्रियंका वाड्रा जी को ब्रीफ कर रहे हैं। तो ये चिंता का विषय तो है ही कि प्रियंका वाड्रा कोई संवैधानिक पोस्ट पे नहीं है, वो किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को होल्ड नहीं करती है, तो आखिर उन्हें ब्रीफ करने की आवश्यकता क्या है? नंबर एक। नंबर दो और महत्वपूर्ण विषय है, आप देखिए इस पूरे प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे विषय के गंभीरता को ध्यान में रखते हुए एनआईए तक को इसमें इन्वॉल्व किया है। एनआईए के ऑफिसर्स भी इस सारे विषय का अब तहकीकात में लगे हुए हैं। कल भी इस विषय को लेकर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में जारी रहेगी। तो आज तो आखिरकार चन्नी साहब ने जो कहा है कि आई हैव ब्रीफ्ड प्रियंका वाड्रा, मुझे लगता है प्रियंका वाड्रा और कांग्रेस पार्टी को इसमें जवाब देना चाहिए कि किस हैसियत से प्रियंका जी को ब्रीफ किया गया है। अलका जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, लेकिन सुनिए, देखिए आज राशिद अल्वी ने भी कहा, और राशिद अल्वी ने कहा कि अगर पार्टी के भीतर ये मैटर डिस्कस कर लिया गया तो इसमें कौन सी आफत आ गई? देखिए मीनाक्षी जी, मैं आपको प्रैक्टिकल बातें बताता हूँ। पार्टी के भीतर बहुत सारी पार्टी की बातें और जो भी पार्टी रिलेटेड विषय होते हैं वो डिस्कस होनी चाहिए, मगर उसमें भी एक लक्ष्मण रेखा होती है जिस लक्ष्मण रेखा को कोई पार नहीं करता है। मैं उदाहरण देता हूं, जैसे कि सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, पाकिस्तान के साथ आतंकवादी मुखभेड़, इन सब विषयों पे कभी भी हमारी पार्टी अभी सरकार में, मगर हमारी पार्टी के जो किरदार हैं, जो रक्षा मंत्री हैं, हमारी पार्टी की तरफ से जो होम मिनिस्टर हैं, वो पार्टी के तो हैं मगर मिनिस्ट्री में है, तो स्वाभाविक रूप से वो पार्टी को ब्रीफ नहीं करते हैं।
वो हमें ब्रीफ नहीं करते हैं कि किस प्रकार से कल सुबह 3 बजे उठकर सर्जिकल स्ट्राइक आरंभ होने वाला है या इस प्रकार से होता है। ये विषय सरकार के होते हैं, गोपनीयता की शपथ। आपके पास जितने भी एमएलए एमपी होते हैं वो गोपनीयता की शपथ लेते हैं, तो स्वाभाविक रूप से जो गोपनीय विषय होते हैं उनको किसी प्रकार से पार्टी के दायरे में भी डिस्कस नहीं किया जाता है। ठीक उसी प्रकार प्रधानमंत्री के सुरक्षा के जो अंतरंग डिटेल होते हैं वो गोपनीय विषय होते हैं, उनको पार्टी के फोरम पे डिस्कस नहीं किया जा सकता है। और अगर पार्टी के फोरम पे किसी और विषय को डिस्कस करना होता है, जिस प्रकार से कि आप ले लीजिए कि एक नरेटिव बिल्डिंग को लेके सोनिया जी अध्यक्ष हैं, सवाल तो उनसे सोनिया जी को लेकर पूछा गया था, मगर आपने भी देखा होगा उन्होंने कहा कि प्रियंका वाड्रा को हमने पीएम के सिक्योरिटी को लेकर ब्रीफ किया है। ये गोपनीय विषय है, पीएम के सिक्योरिटी को लेकर आपने शपथ लिया हुआ है कि आप इसे डिस्क्लोज नहीं करेंगी, डिस्क्लोज कर भी रहे हैं तो आप प्रियंका वाड्रा जी के साथ क्यों? चलिए अलका जी, अब मुझे एक बात बताएं, जो संबित पात्रा कह रहे हैं, ए तो ये कि चरणजीत सिंह चन्नी ने संविधान की लक्ष्मण रेखा को पार किया है, एक संवैधानिक पद पर होते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा को उन्होंने ब्रीफ क्यों किया, और दूसरा बड़ा आरोप कि दिल्ली के इशारे पर या कांग्रेस पार्टी के आला कमान के इशारे पर पूरी घटना को अंजाम दिया गया। मीनाक्षी जी, एक कहावत है, सो चूहे खाके बिल्ली हज को चली, यहां ये कि सो चूहे खाकर बिल्ला हज को चला। बताती हूं, गोपनीयता, संवैधानिक पद, पढ़िए हेडलाइन, पढ़िए। मीनाक्षी पढ़ पा रही है? मैं चाहती हूँ आप पढ़े इस हेडलाइन को प्लीज, फिर मैं पढ़ती हूँ। मैं बस देखना चाहती हूँ आपके दर्शक पढ़ पा रहे हैं, पढ़ पा रही है नहीं। हाँ, एक बार क्या है हेडलाइन एक बार पढ़ दीजिए, ताकि भाजपा के प्रवक्ता भी पढ़ ले। आफ्टर प्रेजेंटेशन बाय टॉप बीजेपी मिनिस्टर, After presentation by top BJP minister, Prime Minister Modi attended RSS meet. ये संघ मुख्यालय क्या राष्ट्रपति भवन था जहां प्रधानमंत्री और सरकार जवाब देने गई? क्या मोहन भागवत संवैधानिक पद पर बैठे थे? जिन्हें पूरे का पूरा, आगे बढ़ लीजिए, अखबारों की हेडलाइन थी, चर्चा नहीं हुई। At RSS review meet, RSS की review meet पर टॉप मिनिस्टर्स मेक प्रेजेंटेशन लाइन हाजिर किया गया था। संवैधानिक पदों पर बैठे हुए कौन कौन से मंत्री शामिल हुए थे संघ के मुख्यालय में, जो संवैधानिक पद पर पता नहीं कौन से बैठे, मोहन भागवत जी नागपुर में, क्या कौन गया था? राजनाथ, मतलब आप जस्टिफाई कर रही हैं कि चरणजीत सिंह चन्नी का प्रियंका गांधी वाड्रा को ब्रीफ करना ये मीनाक्षी मीनाक्षी नहीं एक सेकंड बात पूरी कर लूं, आपके पॉइंट पे आ जाऊंगी। भाजपा के प्रवक्ता को नहीं टोका पूछना चाहती हूं ना, संवैधानिक पद, गोपनीयता, रिपोर्ट पे चर्चा है ना। गृह मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली साहब, फॉरेन मिनिस्टर सुषमा स्वराज, ये आज हमसे जो पूछा जा रहा है कि चन्नी जी ने किस हैसियत से प्रियंका गांधी जी को प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा की, जो मैं कहती हूँ ड्रामेबाजी में कहूं, कोई खतरा नहीं था, ये साफ हो चुका है, कोई खतरा नहीं था, एक राजनीतिक ड्रामेबाजी अपनी नाकामियों से ध्यान भटकाने की रची गई। पूरा देश सवाल करने लग गया, विश्व भर में हुआ कि इतना कमजोर और डरा हुआ प्रधानमंत्री है, तो 134 करोड़ का भारत उस डरे हुए असुरक्षित प्रधानमंत्री के हाथों कैसे सुरक्षित रह सकता है? तो अब प्रियंका गांधी जी ने भी अगर अपने प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री है ना, भाजपा के तो नहीं है, अगर पूछ लिया कि क्या हुआ था और मुख्यमंत्री ने बता दिया, जैसे पूरे देश को बता रही है, पूरे पंजाब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि कुछ भी नहीं हुआ था, तो प्रियंका जी ने भी पूछ लिया, उन्हें बता भी दिया कि कुछ ऐसा नहीं हुआ था, राजनीतिक नौटंकी, ड्रामेबाजी है, मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए खाली कुर्सियां बैठी थी, है ना, खाली कुर्सियां थी, उसको क्या संबोधित करते, तो कौन सा बवाल खड़ा हो गया? और संवैधानिक पद, मोहन भागवत कौन से संवैधानिक पद पे थे, सवाल पूछ लीजिएगा, जवाब ले लीजिएगा। संघ मुख्यालय आरएसएस कौन सा संवैधानिक संस्था है जहां पर पूरा का पूरा भारत सरकार, एक मुख्यमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और विदेश मंत्री जाकर नहीं, लेकिन हैरानी इसलिए मकसद इनका यही है। मैं एक और काउंटर सवाल के साथ आपके पास आ रही हूँ अलका, की समस्या इस बात की है की FIR जब पंजाब पुलिस लॉन्च करती है तो उस FIR में प्रधानमंत्री का ही जिक्र नहीं होता है, जिसकी सुरक्षा में चूक हुई है, सुरक्षा चूक के नाम से अज्ञात लोगों के नाम पर आप लोग FIR लॉन्च कर देते हैं, पंजाब पुलिस का मैं जिक्र कर रही हूं, और जुर्माना महज 200 रुपए। क्या प्रधानमंत्री की सुरक्षा की कीमत 200 रुपए है?
मीनाक्षी जी, बहुत अच्छा सवाल है, आपके दर्शकों को जवाब देना चाहूंगी। ये चाहते हैं वो जो आंदोलनकारी किसान दिल्ली की दहलीज पर गया, 20 किलोमीटर पर बैठा था, प्रधानमंत्री जी 20 किलोमीटर नहीं गए, 700 किसान दिल्ली की दहलीज पर दम तोड़ाया, वो जिंदा नहीं लौटा प्रधानमंत्री जी की तरह कहने के लिए कि मैं जिंदा लौट आया, वो तो कहने के लिए बचा नहीं, यहाँ 200 किलोमीटर चलने को तैयार थे। अब मैं वापिस आती हूँ, वो जो किसान आंदोलनकारी बैठा था ना, एक सेकंड मीनाक्षी काटिएगा मत, जो 200 किसान बैठा था उनमें से कोई भी साबित नहीं हुआ कि काला झंडा लेकर एक कंकर तक कहीं किसी ने उछाला हो, जो आसपास था वो भाजपा का कार्यकर्ता झंडा लेकर था। अब मैं फिर कहना चाहता हूं, आप क्या चाहते हैं, हत्या का मामला दर्ज कर दे चन्नी सरकार, हत्या का मामला दर्ज कर दे, अभी जो मामला बनता है अज्ञात है, क्योंकि कहीं तस्वीर में एक एक किलोमीटर तक कोई भी आंदोलनकारी पहुंचा ही नहीं। आप चाहते हैं जैसे हरियाणा में लोकतंत्र में किसानों ने आवाज उठाई, 50,000 किसानों पर मामले दर्ज कर, ठीक है, अलका आपके कहने का मतलब है, देखिए अलका, अलका आपका कहने का मतलब है, संबित अलका का कहने का मतलब है, प्रधानमंत्री के एक किलोमीटर के दायरे में तो कोई पहुंचा ही नहीं था, तो हत्या का मामला कैसे दर्ज करते? और ये वो बात देखिए मीनाक्षी जी, मैंने शांति से सुना है, मुझे लगता है अगर अलका बाबू ने सवाल पूछा है तो उसका जवाब भी सुने। देखिए मीनाक्षी जी, पहली बात तो है कि प्रधानमंत्री जी के काफिले के सामने जिस प्रकार से हेड ऑन गाड़ियां खड़ी हैं और जिस प्रकार का परिवेश आप सभी ने वीडियो के माध्यम से दिखाया है, ये हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के काफिले के साथ पहली बार हो रहा है। इस पे बहुत डिबेट डिस्कशन हो चुका है और जनता जनार्दन भी जानती है किस प्रकार से सुरक्षा का, देखिए मैं भी हमने हेडलाइन दिखाई ना, हमने उसको फुल फ्लेजेड दर्शकों को दिखा दिया है, तो अब आप पूरे प्रोग्राम में इससे पकड़ के रखेंगे, इसको कोई मतलब नहीं है, दर्शक ने देखा है, एक दूसरे के बीच में चिल्लाने की कोई आवश्यकता नहीं, संबित अपनी बात पूरी करें, जरूरत नहीं, आराम आराम से बात कर लेते। देखिए मीनाक्षी जी, मैं पहले कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में सेंध हुई या नहीं हुई ये तो पूरा हिंदुस्तान जानता है, डिबेट हो चुका है। उनको पत्थर किसी ने नहीं मारा, डंडे नहीं चले, चन्नी जी तो बोल रहे थे गोली भी नहीं चली, क्यों? गोली छाती पे चल जाती तब जाके आप बोलते कि हम तब जाके ये सब इस विषय पर डिबेट करेंगे, डिस्कशन करेंगे, आप क्या चाहते थे, क्या चाहते थे आप लोग? दूसरी बात मुझे समझ में नहीं आती है कि आप इस पूरे मसले को पंजाब के किसान, पंजाब के लोगों को प्रधानमंत्री अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं, असुरक्षा का भाव हिंदुस्तान में आ गया है, हिंदुस्तान अब असुरक्षित है। अरे इंदिरा गांधी जी को दो सरदारों ने छलनी कर दी थी, उसका अर्थ ये नहीं है कि पूरे हिंदुस्तान के सरदार उसमें इन्वॉल्व थे, बिल्कुल नहीं, कोई सरदारों को इंदिरा गांधी की हत्या के लिए दोषी नहीं ठहरा सकता है। और इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी को तमिल लिबरेशन वालों ने मार दिया था, उसका अर्थ ये नहीं है कि हिंदुस्तान उस समय असुरक्षित था, हिंदुस्तान तब भी सुरक्षित था, हिंदुस्तान अब भी सुरक्षित है, इंदिरा गांधी जी की हत्या के समय भी हिंदुस्तान सुरक्षित था, इंदिरा गांधी की हत्या के समय भी पंजाबी, पंजाबियत और सिक्की सुरक्षित थी और आदरणीय और सम्मानित थी, इसलिए इसका कोई भी अलग मायने निकालने की कोशिश ना करें, नंबर एक। नंबर दो, इन्होंने कहा ये सब ड्रामेबाजी है। देखिए मीनाक्षी जी, बहुत बड़े बड़े अधिकारियों ने, पूर्व डीजी ने चिट्ठी लिखा है राष्ट्रपति जी को, हम और आप तो केवल पैनलिस्ट हैं, न्यूज एंकर हैं, हम तो इस विषय के एक्सपर्ट भी नहीं है, जो एक्सपर्ट है वैसे 23 से 30 लोगों ने चिट्ठियां लिखी है और उसमें विवरण दिया है कि किस प्रकार से एक रिहर्सल 4 जनवरी को रिहर्सल हो जाता है SPG और DGP के साथ, पूरे काफिले का रिहर्सल होता है रस्ते का, वो सारे रिहर्सल होने के बाद भी सब कुछ धता रह जाता है, डीजी आते नहीं रिसीव करने, CS चीफ सेक्रेटरी रिसीव करने नहीं आते हैं, चन्नी साहब रिसीव करने नहीं आते, वो कहते हैं कि मुझे कोविड होने का डर था, शाम तक तो वो आके खैर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उस समय कोविड कहाँ चला गया पता नहीं, तो आप सोच के देखिए ये सारे प्रोटोकॉल तोड़े गए और इसी कारण से अंत में पांच सेकेंड इन्होंने कहा कि कोई बिल्ला गया है हज करने, मैं तो हम सभी बोल रहे हैं वो बिल्ला गया है हज करने, कहाँ गया है बता तो दो, बिल्ला है कहाँ, हम तो ढूंढ रहे हैं बिल्ले को। अब अलका मुझे एक बात बताना कि आप बहुत सारे पेपर्स दिखा रही थी, मैं उससे पहले कि उस डिटेल में जाऊं, ये तो बहुत गंभीर सवाल है ना, प्रधानमंत्री आपके खुद के पार्टी के तमाम प्रवक्ता और नेता कह रहे हैं कि वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, अब प्रधानमंत्री किसी सूबे में जाएं और उस सूबे को तोहफे के परसात वहां पर वो करने लगे, आप इसके पॉलिटिकल मायने ढूंढ सकते हैं, लेकिन है तो वो प्रधानमंत्री ना, ना DG वहां पर मौजूद है, ना डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वहां पर मौजूद है, ना DIG वहां पर मौजूद है, मतलब देश का प्रधानमंत्री आ रहा है किसी सूबे में और प्रोटोकॉल में जिन लोगों का होना आवश्यक होता है उन तमाम लोगों की मौजूदगी तो नहीं थी।
पता है क्या है मीनाक्षी, अगर आपकी बात को मानू तो यही लगता है कि प्रधानमंत्री जी की यही एक भड़ास थी कि मेरे मान सम्मान में कमी रह गई, फलाना फलाना मुझे रिसीव करने कैसे नहीं पहुंचा, मैं तो प्रधानमंत्री था। आप समझ रहे, प्रोटोकॉल हमने देखा है, हमने एपीजे अब्दुल कलाम साहब को भी देखा है, भारत रत्न वैज्ञानिक राष्ट्रपति कैसे कुर्सी हटाते थे और जमीन पे भी बैठ कर खाते थे, बात करते थे, है ना, प्रोटोकॉल की बात नहीं करते थे। यही तो इनकी दिक्कत है। आप अलग अलग व्यक्ति और उनके व्यक्तित्व पर चर्चा कर सकते हैं, उस पर हम सहमत असहमत हो सकते हैं, लेकिन क्या प्रोटोकॉल का पालन ना करना, डीआईजी का वहां पर मौजूद ना होना, उस कैबिनेट में शामिल ना होना, क्या ये जस्टिफाइंग लगता है आपको? मैं आपकी राय जानना चाहती हूँ। अच्छा मीनाक्षी जी, राय की बात नहीं है, जो सच्चाई है वो रखी, मेरी राय कुछ भी हो सच्चाई नहीं छुपती। बात ये है कि मुख्यमंत्री चन्नी जी के स्टाफ में कुछ लोग कोविड पॉजिटिव हो गए जो उनके साथ मीटिंग कर रहे थे। प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल आम लोगों के प्रोटोकॉल से बहुत हाई बताया गया। अपनी जिम्मेदारी समझते हुए चन्नी साहब मुख्यमंत्री लिए पीएमओ उनके अधिकारी को सूचित किया कि मैं जिनके साथ मीटिंग था उनको कोविड हुआ, मुझे कोविड नहीं है, क्या मुझे आना चाहिए? उन्होंने कहा नहीं, प्रधानमंत्री का कोविड प्रोटोकॉल या जो भी बहुत हाई है, हम आपको इस बात के लिए इजाजत नहीं देते, मत आइए। और हमारे वित्त मंत्री जो मनप्रीत बादल साहब वहां पहुंचे, ये कहने की बात है। दूसरी बात, प्रोटोकॉल तो प्रधानमंत्री जी को खुद तोड़ने की आदत है, सुर्खियों में किस तरह से बने रहे, चर्चा में बने रहे, क्या लिखा है पढ़ लीजिएगा, लिखा है प्रधानमंत्री मोदी बिना किसी सुरक्षा रूट के क्यों ये प्रोटोकॉल तोड़ते हैं, क्यों अपनी जिंदगी को खतरे में डालते हैं, किसने तोड़ा प्रोटोकॉल, कौन फील्ड में अपनी गाड़ी लेकर चला गया, रकाबगंज गुरुद्वारे सुबह उठकर जाते हैं बिना दिल्ली पुलिस को सूचना किए, वो जाते, कुछ हो जाता तो दिल्ली पुलिस की जवाबदेही होती, बड़ा अधिकारी सस्पेंड हो जाता, इनके लिए सुर्खियां बनती। मैं आपको फिर बता रही, सिर्फ एक चुनावी स्टंट से ज्यादा ये कुछ भी नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने सारी जांच हाईकोर्ट मोहाली हरियाणा कोर्ट के पास दे दी है। यहाँ पर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, टेक्नोलॉजी के साथ जांच होगी। हवाई जहाज दिल्ली से उड़कर यहाँ आ गया, यहाँ से उड़कर आगे नहीं जाएगा, ये फैसला पायलट का मौसम को देखकर था या प्रधानमंत्री जी को स्टंट राजनीति करना नहीं, लेकिन अलका, लेकिन अलका अलका देखिए, आप भी जानती हैं कि सुरक्षा को लेकर जिम्मेदारी और जो फैसले होते हैं वो संयुक्त फैसले लिए जाते हैं। मैं फिर से ब्लू बुक का जिक्र इसलिए नहीं करना चाहती, हम लोगों ने इस मुद्दे पर काफी चर्चा की है। लेकिन संबित, अभी वो जो दो ट्वीट दिखा रही थी उनमें से तो एक भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल का ही ट्वीट था, जिसमें हमने देखा है कई बार प्रधानमंत्री अपने प्रोटोकॉल का उल्लंघन करते हैं, लोगों से कई बार डायरेक्टली मिलते भी हैं, और अकाबगंज गुरुद्वारे का जो जिक्र उन्होंने किया, इस पर आपका क्या जवाब? दोनों चीजें कंपेयर हो सकती है क्या? कभी प्रियंका वाड्रा या सोनिया गांधी अगर लोगों से डायरेक्टली मिलती है तो कल से हम कहेंगे प्रियंका गांधी जी किसी भी राज्य में जाएंगी तो अब उनकी सुरक्षा के लिए कोई नहीं आएगा। तो क्या इन दोनों कंपेयर किया जा सकता है कि प्रियंका जी कभी कभी लोगों से मिलती है? ये मीनाक्षी जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता, ये हर बार क्यों अनुशासन के लिए बोलना पड़ता है मीनाक्षी जी? अलका अलका, देखिए दो लोग हैं, बारी बारी से अपनी बात कहें, बारी बारी से अपनी बात कहें। मीनाक्षी जी दो लोग हैं, शांति से इनको बोलिए, जरा तमीज के साथ और बिहेवियर के साथ डिबेट करें, या तो आप इनकी आवाज कम करें या तो इन लोगों के साथ डिबेट मत करा करिए ऐसे लोगों के साथ। सवाल पूछती है तो उसका जवाब सुने, सवाल पूछे जवाब सुने। संबित देखिए, मीनाक्षी जी इनका कहना है कि प्रधानमंत्री तो रकाबगंज गुरुद्वारा गए थे बिना सिक्योरिटी के चले गए थे, तो इसमें क्या हो गया अगर पंजाब में हमने चूक कर दिया? तो दोनों चीजें एक हो सकती है क्या? ये राहुल गांधी जैसे हम अगर मूर्खों की तरह सोचे तो कैसे चलेगा? मतलब प्रियंका जी, पहले मीनाक्षी जी आप इनके आवास के विषय में डिस्कस कर लीजिए, फिर आप सोचिए कि हमें क्या करना है। ये हर किसी के पीछे बोलना कहा, नहीं नहीं, एक सेकंड मीनाक्षी जी, नहीं नहीं, लेकिन देखिए अलका आपकी बात उससे कोई बहुत अलग भी नहीं थी। आप सुन तो लेना, इंतजार करें, कम करिए, आप थोड़ा सा सब्र रखें ना अलका, थोड़ा सा सब्र रखें, बात सुन लें, बात सुनने से ज्यादा बेहतर तरीके से आप खुद जवाब दे पाएंगे। संबित मैंने कहा, देखिए मतलब मुझे तो समझ में नहीं आता है इनकी कॉमन सेंस कहाँ जाती है घास चरने के लिए। ये कह रहे थे कि गुरुद्वारा रकाबगंज चले गए हैं बिना सिक्योरिटी के, इस कारण से इनकी सिक्योरिटी प्रधानमंत्री की विड्रॉ हो जानी चाहिए। इस हिसाब से तो प्रियंका जी और ये जो सोनिया जी है इनकी सिक्योरिटी भी नहीं होनी चाहिए। दूसरा बात, इन्होंने कहा कि पंजाब में ये तो ड्रामा था, बार बार इन्होंने ड्रामा कहा इस विषय को कि भड़ास निकालने के लिए। सुनील जाखड़ और मनीष तिवारी इनके खुद के नेता है, फायरिंग रेंज विद इन, मनीष तिवारी जी हमारे नेता नहीं है,
इनके खुद के सांसद हैं पंजाब से, उन्होंने कहा बॉर्डर स्टेट में विद इन फायरिंग रेंज ऑफ पाकिस्तान जिस प्रकार की ये अनहोनी घटी है, ये शुक्र है कि किसी प्रकार की अनहोनी नहीं हुई है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह छोड़ता है। उसके बावजूद भी ये मोहतरमा बैठ के यहाँ मुस्कुरा रही है, उसके बावजूद भी प्रियंका वाड्रा राजनीति करने में लगी है, देश के प्रधानमंत्री की जान के साथ खिलवाड़ करके। तीसरी बात इन्होंने कहा कि ये सारे लोग कोविड पॉजिटिव थे तो बड़ा प्रोटोकॉल लगा हुआ था, इसलिए ना तो SP आया, ना DSP आया, ना कलेक्टर आया, ना चन्नी जी आए, ना DGP आए, और ना ही आपके चीफ सेक्रेटरी आए। ये सारे लोग कोविड पॉजिटिव हो गए थे, बस उसके एक घंटे बाद सारे लोग ठीक हो गए, सारे ठीक हो के यहाँ प्रेस रिलीज करने लगे, सारे ठीक हो के घूमने लगे। ये कितनी ना आप बेवकूफ मत बनाइए। और दूसरी बात मुझे समझ में नहीं आ रही है मीनाक्षी जी, ये बार बार कांग्रेस के नेताओं का कहना कि प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर से क्यों नहीं गए। आप देखिए, मुझे तो शक होता है कि चाइना के साथ कहीं मिलीभगत ना हो इनकी। अभी चंद दिनों पहले CDS हमारे बीच नहीं रहे, और ये बार बार कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को हेलीकॉप्टर से जाना चाहिए था, और जब प्लेन दिल्ली से आ सकता है पंजाब तक तो आगे क्यों? अरे प्लेन से आए थे, हेलीकॉप्टर से जाना था। आपको कुछ समझ है? कुछ समझ है आपको? ठीक है, अब अलका मुझे एक बात बताएं, आप इनसे पूछिए। अलका 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 एक बात बताएं, राहुल गांधी जो गए हैं बाहर में गुप्त मीटिंग करने के लिए, तो ये कौन सी गुप्त मीटिंग है जो राहुल गांधी किससे करने गए हैं बाहर, किससे गुप्त मीटिंग कर रहे हैं जिसका नतीजा ये सब हो रहा है? क्या पाकिस्तानी ये बहुत गंभीर सवाल आपने खड़ा किया है, गुप्त मीटिंग बहुत बहुत गंभीर आरोप। देखिए अलका सुनिए, बहुत गंभीर आरोप लगा है। ये राहुल गांधी साजिश के पीछे है, पैसा खाया है इसने चाइना, ये बौखलावा, ये अगर प्रधानमंत्री जी के जान, अलका अलका सुनिए, अगर पैसा लेकर भी जान के पीछे पड़ जाए तो कर सकती है ये परिवार, बिल्कुल कर सकती है। अलका बहुत गंभीर आरोप संबित पात्रा ने लगाया है, सुनिए अलका 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 सवाल सुनिए। अलका अलका लांबा अलका लांबा एक मिनट बैठक करने के लिए किसी विदेशी डेस्टिनेशन में गए हैं, एक मिनट एक मिनट। अलका अलका लांबा बहुत गंभीर आरोप अभी अभी बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने लगाया कि राहुल गांधी कहाँ हैं, वो किन से गुप्त मीटिंग कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक ये शंका जाहिर की कहीं ये पूरा प्लॉट, ये पूरी स्क्रिप्ट कहीं किसी इशारे पर तैयार तो नहीं की गई। बहुत गंभीर आरोप सीधा राहुल गांधी पर, कहाँ है वो, कौन सी गुप्त मीटिंग कर रहे हैं। गृहमंत्री है, जो रक्षा मंत्री, उनको किसी की जानकारी टीवी का एक चैनल माध्यम उसकी एंकर से पूछवाना पड़ता है? आप बता दीजिए राहुल गांधी कहाँ है, क्योंकि आपकी पंजाब के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि राहुल गांधी एक सीक्रेट मिशन में गए हैं और गुप्त मीटिंग कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि गुप्त मीटिंग किसके साथ हो रही है, क्या चाइनीज के साथ हो रही है, क्या पाकिस्तानियों के साथ हो रही है, किसके साथ ये गुप्त मीटिंग हो रही है? राहुल जी किसके साथ गुप्त मीटिंग हो रही है, यह देश जानना चाहता है। जो देश का प्रधानमंत्री डरा हुआ हो, असुरक्षित हो, उसके हाथों देश कभी सुरक्षित। अच्छा अलका, आप एक बात मानेंगे, अलका देश के प्रधानमंत्री डरा हुआ नहीं है, किसानों की हत्या आप देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए आप चिंता मत करो, महादेव उनकी रक्षा करेंगे, प्रधानमंत्री जी अपनी बगल में बिठाते हैं। अलका ऐसे गृहमंत्री के हाथ कैसे देश सुरक्षित? टाइम आउट टाइम आउट। अब मुझे सवाल के साथ आने दीजिए अलका अलका, मुझे सवाल के साथ आने दीजिए, सवाल के साथ आने दीजिए। कम से कम इतना तो मानिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कैवलकेड जहां पर फंसा हुआ था वो फायरिंग रेंज में था। आप ही के पार्टी के दो बड़े नेता इस बात का जिक्र कर चुके हैं, टिप्पणी कर चुके हैं, इसमें तो आपको बीजेपी तक जाने की जरूरत नहीं है। क्या 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 सुरक्षा में चूक थी? कम से कम इस बात पर तो एकमत हो जाए। फिर कहां साजिश हुई, कौन गुप्त मीटिंग, वो तो बहुत आगे की बात है। सुरक्षा में चूक हुई, इस पर तो एकमत हो गया। सवाल मैं बोलूं, आप फिर मेरे बीच में बोलेंगे, सवाल हो गया, ये जगह किसने तय की थी कि वहां पर ये चुनावी रैली होगी और कुर्सियां नहीं आएंगी, चन्नी जी नहीं आएगी, ये नहीं आएगा, लोग भी नहीं आएंगे, लोग भी नहीं आएगा? किसने जगह तय की थी, किसने जगह तय की थी कि अरे वो जगह से क्या मतलब है, वो जगह से मतलब है कि सुरक्षा के चूक से मतलब है? नहीं चाहते थे वो जगह तय हुआ तो क्या आपके DGP नहीं आएंगे, क्या आपके चीफ सेक्रेटरी नहीं आएंगे? वो जगह तय हुई तो क्या आपके चीफ मिनिस्टर सुरक्षा के सेंध लगाएंगे? अब ये बताइए, ऐसी जगह चुनी गई कि जान कर सुरक्षा का मुद्दा बना दिया जाए? अच्छा, मतलब प्रधानमंत्री ने अपनी सुरक्षा को खुद ही खतरे में डाल दिया, मतलब SPG प्रधानमंत्री ने सुरक्षा को खुद खतरे में डाल दिया?
मीनाक्षी, इंडिया टीवी ने वो रैली की जगह तय की थी कि प्रधानमंत्री जी चुनावी रैली करने आएंगे और वहां करने आएंगे, तय किसने किया? भाजपा ने तय किया, पीएमओ ने, मीनाक्षी, इंडिया टीवी और कलामा ने, यहीं से तय हो जाता है कि प्रधानमंत्री जी की जान को खतरे में कौन डाल रहा था। पाकिस्तान की बिल्कुल बरहा सरहद से लगी हुई जगह पर ही रैली क्यों करनी थी? पंजाब में और भी हो सकती थी, लेकिन साजिश थी, मुद्दों से भटकाने की साजिश थी। पंजाब बहाना था, उत्तर प्रदेश निशाना था, भटका दिया दो तीन दिन मुद्दों से, महंगाई भूल गए, हम लोग बेरोजगारी भूल गए, गिरती अर्थव्यवस्था। गंभीर आरोप इधर भी कि इस मुद्दे के बहाने आपने जो मूल मुद्दे होने चाहिए चुनावी चर्चा के, उसे आपने भटका दिया, प्रधानमंत्री ने भटका दिया। प्रधानमंत्री जी की जान को खतरे में डालने का ये गंभीर आरोप नहीं है, ये हास्यास्पद आरोप है। ऐसी जगह पर इनका कहना है कि महंगाई बहुत ज्यादा हो रही थी, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने खुद ही अपनी सुरक्षा में सेंध लगा दिया। मुझे लगता है ऐसे प्रश्नों का उत्तर भी नहीं देना चाहिए। सोच के और इंटेलिजेंस के लेवल को देखिए, आप कांग्रेस के प्रवक्ता के इंटेलिजेंस के लेवल को देखिए, आपको लगता है कि इस लेवल के इंटेलिजेंस को हमें उत्तर देना चाहिए? अलका और संवित, मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अलका लांबा, प्लीज लिसन टू मी। हमने अलका प्रधानमंत्री जी से जबरदस्ती चलनी सरकार, ठीक है अलका लांबा, मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट, हम ये कोशिश करेंगे एक दूसरे के साथ ना बोलें, जिससे कि बात दर्शकों को भली तरीके से समझ में आए। आपने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने जानबूझकर ऐसी जगह चूज की जहां पर उनकी सुरक्षा को खतरा हो सकता था, एक तरीके का ये वैक्यूम क्रिएट करने की कोशिश थी कि इसी मुद्दे पर बहस होती रहे, मूल मुद्दों से हम भटक जाए। एम आई राइट? संबित, अब इस पर जवाब तो हो गए, कामयाब हो गए लग रहा है, जब हम चर्चा चलिए अब मैं जवाब दे दूं। मीनाक्षी जी, आपने किया है बीच में नहीं बोले, अब ये बोलने पूरा फिर मैं बोलता। देखिए मीनाक्षी जी, मुझे तो लग रहा है कि ये कोई गंभीर आरोप नहीं है, ये तो हास्यास्पद आरोप कि प्रधानमंत्री जी ने महंगाई के ऊपर से ध्यान भटकाने के लिए, प्रधानमंत्री जी ने बाकी मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए अपने ही सुरक्षा में खुद सेंध लगवा दिया। बताइए मीनाक्षी जी, इतने इंटेलिजेंट नेताओं की मतलब इन बातों का उत्तर दिया जाए? ये 135 करोड़ जनता देख रही होगी आपके इस डिबेट को, वो तो सोच रहे होंगे कि ये कांग्रेसियों का हाल क्या है। महंगाई से मुद्दा भटकाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने अपने आप को, मीनाक्षी जी आप ही ने कहा था बीच में नहीं बोलना है, ये तो मतलब दादी माँ की तरह नॉनस्टॉप ही बोलती रहती है, रुकती ही नहीं है, मैं क्या करूँ? थोड़ा सा का धैर्य रखिए। हम असंभवित, दर्शक देखिए बहुत समझदार हैं, वो जिसे सुनना चाहेंगे वो सुनते चले जाएंगे, इसलिए आप संभवित अपनी कैसे सुनेंगे, ठीक है, थैंक यू। आप मन में बोलिए अलका जी, प्लीज मन में बोलते रहिए। मीनाक्षी जी, ऐसा है कि आप सोच रहे हैं कितना गंभीर विषय है, पाकिस्तान के 20-25 किलोमीटर के दायरे में देश के प्रधानमंत्री को, बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है, देश के प्रधानमंत्री को एक फ्लाईओवर पे इतने समय तक रुकना पड़ता, एक पूर्व डीजी लिखा है कि खुदा न खास्ता अगर उस फ्लाईओवर के नीचे किसी प्रकार का डेटोनेटर होता तो एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। और याद रखिए, ये तो ईश्वर का बहुत बहुत शुक्र है कि इस प्रकार की कोई घटना नहीं घटी, अनहोनी नहीं, मगर अनहोनी होने में कुछ सेकंड ही लगते हैं। और अगर हम इन चीजों से नहीं शिक्षा लें और इसके पीछे क्या षड्यंत्र था, इसको हम जब तक खुलासा ना करें है कि देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर एक परिवार, गांधी परिवार, अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए देश के प्रधानमंत्री की जान को जोखिम तक डालने के तैयार है। इसका दूसरा पहलू ये समझे, जिसके परिवार के भीतर से दो दो नेता, दो दो प्रधानमंत्री शहीद हो गए इस तरीके की सुरक्षा चूक के चलते, और अगर ऐसी परिस्थिति में संबित, एक मिनट, और ऐसी परिस्थिति में अगर प्रियंका ये कंसर्न जताएं और वो ये जानना चाहें चरणजीत सिंह चन्नी से कि आखिर हुआ क्या था, तो आपको क्या लगता है कि उन्हें एक मानवीय नाते भी क्या इस बारे में जानकारी उन्हें नहीं देनी चाहिए थी? पहले आप इनसे पूछ लीजिए, ये तो नॉन स्टॉप रुकती नहीं है। अलका, एक मिनट, ये सवाल मेरा संबित से था, अलका फिर मैं आपके संबित। अक्षय जी, पहली बात तो है इंदिरा जी और राजीव जी, जहां तक आपने उनकी शहादत की बात की, देखिए इंदिरा जी जो हुआ उनके बहुत अनफॉर्चुनेट है,
जिस प्रकार से बेअदबी हुई पंजाब में, उन्होंने टैंकर चढ़वाया हरमिंदर साहिब के अंदर, हरमिंदर साहिब को लिटरली तोड़ दिया, मगर फिर भी सिखों के ऊपर, पंजाबियत के ऊपर सवाल उठाना इंदिरा गांधी के हत्या को लेकर ये उचित नहीं होगा। जो हुआ वो अनफॉर्चुनेट था, इसलिए इन चीजों को हमें जनरलाइज कभी नहीं करना चाहिए। राजीव गांधी जी को भी डंडे पड़े, श्रीलंका में डंडे भी पड़े, उन्होंने डंडे भी खाए, और तमिल लिबरेशन के कारण बाद में उनकी जघन्य हत्या भी हुई, बहुत ही खराब अनफॉर्चुनेट। मगर उसके लिए हम तमिलियंस को खराब कह के पेंट करें और तमिलियंस के ऊपर जनरलाइज ब्रश के साथ पेंट करें, ये कहीं ना कहीं अनुचित और अन्यायपूर्वक। वही तो कह रहे हैं, देखिए मोदी जी ने पूरे पंजाब को बदनाम कर दिया। ये आधा उत्तर मैं दूंगा, बाकी का उत्तर हमारी बहन। लेकिन संबित आप इससे कंक्लूड करें, संबित आप इससे कंक्लूड करें कि मानवीय भावनाओं के नाते तसल्ली से अपनी बात रखेंगे ना। कंप्लीट करना चाहता हूं, मगर हमारी वरना आप बोलेंगे तो संबित आपके साथ साथ बोलेंगे, मेरे लिए बड़ी समस्या हो जाती है। संबित देखिए मीनाक्षी जी, प्रियंका जी के पास तो ऑप्शन है, वो आके बोल सकती हैं कि मैंने तो चन्नी जी से पूछा कि मैं कंसर्न थी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री के इस सुरक्षा में सेंध कैसे लगा, मैंने यही पूछा उनसे, और चन्नी जी ने मुझे समझाया कि देखो गलती हो गई है, अगली बार से नहीं होगी, या हम जांच कर रहे हैं, जांच कर रही है सुप्रीम कोर्ट, या प्रियंका गांधी बताए कि मैंने क्या पूछा। तो हमने तो उनको और कुछ नहीं कहा ना, हमने तो यही कहा ना कि गांधी फैमिली शुड एक्सप्लेन कि आखिर उनको क्या ब्रीफ किया जा रहा था और उन्होंने क्या ब्रीफिंग मांगी थी, ये पूछना हमारा अधिकार है ना। अगर प्रधानमंत्री के डिटेल्स उनको दिए जाएं, सुरक्षा के डिटेल्स उनको दिए जाएं, तो ये गैर संवैधानिक है। तो प्रियंका वाड्रा सामने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दे बीजेपी ये कह रही है कि जो भी बातचीत हुई आप उसकी डिटेल दे दे, तो उनके मन से भी ये शंका चली जाए कि क्या वाकई में सिक्योरिटी डिटेल्स उनसे साझा की गई है या फिर एक बातचीत यही है जो आपको समझ आता है। प्रियंका गांधी ने अपनी दादी को खोया, उसने अपने पिता को खोया, आज वो चिंता कर रही है देश के प्रधानमंत्री के ऊपर। अगर कोई बात आई है तो आपने उस भावनाओं को समझा, उसकी जानकारी चिंता कर रही है, शहादत का प्रियंका गांधी को इन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी बहुत चिंतित थी, किस बात की चिंतित थी, अगर खतरा ही नहीं था। नागपुर में बैठे हुए नागों को दूध क्यों पिलाते हैं, उन्हें जवाब देने वहां क्यों जाते हैं, इस पे सवाल कभी खड़ा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री नागपुर के नागों को दूध पिलाना, किसने राहुल गांधी को दूध पिलाया, देश अपने आप सुरक्षित हो जाएगा, देश सुरक्षित हो जाएगा। अलका अलका देखिए, हम कम से कम एक मुद्दे पर तो एक मत हो, लेकिन ये नाग जो है सुरक्षा में एक चूक तो थी, वो फायरिंग रेंज बिल्कुल चूक नहीं थी। पंजाब के मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कोई सुरक्षा में सेंध नहीं थी, कानून व्यवस्था पूरी तरह चौकबंद थी, हमने जांच कमेटी बिठाई, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी का स्वागत कर रहे हैं, जांच आगे बढ़ा रहे हैं और दूध का दूध पानी का पानी करेंगे। पर ये ड्रामेबाजी थी, खाली कुर्सियां थी, प्रधानमंत्री जी हिम्मत नहीं दिखा पाए फ्लॉप रैली को एड्रेस करने का। हमारे लिए तो अच्छा था पहुंचते वहां पर, दिखाते कि सत्ता यही तो बात आती है। अगर आप भी चाहते थे कि प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंचे, एक मिनट अलका, अब देखिए आपने खुद ने कहा हम तो चाहते थे कि प्रधानमंत्री वहां पर रैली स्थल पर पहुंचे खाली कुर्सियां देके, तभी अरे पंजाब पुलिस के हाथों में ताकत थी, लाठी थे, डंडे थे, आप हटवाते ना उस पूरी भीड़ को, क्यों नहीं हटाए? क्योंकि कुछ वीडियो जिस तरीके से केंद्र की भाजपा सरकार ने हमारे किसानों को दिल्ली की दहलीज पर कुचला, 700 किसान शहीद हो गए, आप ये कह रही है कि चले। अच्छा आप ये चाहती है कि प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री के काफिले को रोके रहे और आप उन्हें हटा, शहादतें दी है
उसी उनके हत्यारे आज मीनाक्षी प्रधानमंत्री जी के बगल पर एक मिनट आ रही हूँ अलका देखिए ये सब हम फिल्मों में देखते थे कि सीएम की पुलिस वालों का सीएम के पास कॉल गया। अरे अलका सुनिए ना, जिनकी सुरक्षा को कोई खतरा नहीं था, अलका अलका बाजी की हमारे किसान तो जिंदा आए भी नहीं। अलका अलका हत्यारी सरकार दिल्ली पे बैठी और हत्यारों अलका लांबा अलका लांबा देखिए ये हमने फिल्मों में सुना था। देखिए हमने ये फिल्मों में सुना था, देखा था कि पुलिस जो है प्रदर्शनकारियों को हटाना चाहती है लेकिन फिर पुलिस खुद प्रदर्शनकारियों को चाय पीने लग जाए। ये कैसे होता है, गुमराह कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी के पास। जरा इनकी आवाज को कम करो, कैसे होगा ये डिबेट, कैसे होगा बताओ। यहाँ भी सेंध है, यहाँ भी हमारी सुरक्षा में सेंध हो जा रहा है, शांति से बोलने दो। मीनाक्षी जी आप याद करिए, गुजरात में एक बार राहुल बाबा गए थे और वो उनके कार्यकर्ता ने मोबाइल से रिकॉर्डिंग करते समय लाइट पड़ गई थी राहुल बाबा की, यहाँ पे एक ग्रीन रंग की लाइट आ गई थी और ये भाई साहब क्या हंगामा कटा था, मार डाला रे राहुल बाबा को, मार डाला, एसैसिनेशन हो जाएगा हमारे राहुल बाबा का, सारे कांग्रेसी लेट गए थे सड़क पे, हाय हाय हमारे राहुल बाबा का जान खतरे में आ गई है। बाद में मालूम पड़ा उनके युवा मोर्चा के अध्यक्ष ने मोबाइल से फोटो खींचा था, उससे राहुल बाबा ऐसे हो गए थे बताइए। और ये अभी इतनी बड़ी बड़ी फिल्मी डायलॉग मार रहे हैं प्रधानमंत्री के साथ खिलवाड़ करके। दूसरी बात है, ये अभी बोल रहे थे प्रियंका वाड्रा जी को बहुत चिंता थी प्रधानमंत्री जी की, इसलिए प्रियंका वाड्रा ने फोन कर दिया था चन्नी जी को, चन्नी जी मैं बहुत चिंतित हूँ। अभी तो बोल रहे थे कि कोई किसी प्रकार का सेंध नहीं लगा, किसी प्रकार की गलती नहीं हुई, फिर प्रियंका वाड्रा जी को काहे की चिंता थी इतनी, प्रधानमंत्री जी की क्या इतनी फिक्र हो गई थी जो फोन करना पड़ गया। नहीं आप पहले डिसाइड करिए, पहले मीनाक्षी जी इनसे डिसाइड कर पाइए। ठीक है डायरेक्ट सवाल के साथ अलका, देखिए आप अनवरत बोल रही हैं, अलका देखिए आप अनवरत बोल रही हैं, मुझे नहीं पता कि आप मेरा सवाल और संबित के आरोप आप सुन भी पा रही हैं या नहीं, लेकिन मैं सवाल के साथ आपके पास आ रही हूँ अलका की। जो चाइना ने बोला है वो वही बोले जा रही है अलका। संबित कहाँ आप चीन तक पहुँच रहे, कोई मतलब सब कुछ मिला। अरे मीनाक्षी जी आप बोल रही है, आप जानती नहीं है, ये 2008 से लेके आए चरणजीत सिंह चन्नी को फोन किया, उनसे पूरी जानकारी मांगी, आपने कहा ये मानवीय मुद्दा था, दूसरी तरफ आप ये कह रही हैं कि कोई चूक तो हुई ही नहीं, तो फिर चिंता किस बात की थी? नहीं एक मिनट, बिल्कुल चिंता नहीं थी, लेकिन इतनी बड़ी इसको खबर बनाई, चिंता नहीं की, अब तो चिंता थी हुई, पता लगा क्या कह रहा है, कोई चिंता नहीं की, ये कैसी चिंता है। प्रियंका गांधी जी ने भी किया कि ये क्या है, अरविंद केजरीवाल ने यूं टर्न नहीं लिया जैसे हमारी अलका बहल ले रही है। प्रियंका जी को समझ आ गई कि ये राजनीति खेल है उत्तर प्रदेश के लिए और कुछ भी नहीं है। प्रियंका जी अभी समझ आ गई, अलका आपने कहा पहले चिंता थी, फिर अब आप कह रहे कि वो चिंता नहीं, चिंता हो गई थी, थोड़ी सी क्लैरिटी आप अभी बोल रही, चिंता ही नहीं है, सच्चाई क्या है ये नहीं किसी को पता। अच्छा खबरें लगा हमें पता लगा, दूध का दूध पानी का पानी हो गया, भाजपा बेनकाब हो गई, दूध का दूध पानी का पानी छोड़िए, पनीर खा के चला गया है, चार राज्यों में डबल इंजन की सरकार का पानी सुबह से ही हो रहा है इनका, उसे बचाने के लिए तिनके को एक सहारा चाहिए था, वो सहारा एक ही है, मोदी नाम का काम तो कुछ किया नहीं है, हत्यारों किसानों के हत्यारों को लेकर बगल में बैठते हैं, बर्खास्ती की मांग है, न्यूनतम समर्थन मूल्य मीनाक्षी जी इनका रिकॉर्ड प्लेयर वही अटक गया है। मैं तो अभी तक समझ नहीं पा रहा हूँ, मैं ये फिर कहती हूँ अलका कि देश के कोने में कोई भी हो प्रधानमंत्री से चाहे कितनी भी नाराज की प्रदर्शनकारियों को हो, लेकिन उसके बावजूद प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ आप चांस नहीं ले सकते सिर्फ ये कह के कि वो तो प्रदर्शनकारी थे। आप ये भूल रहे हैं कि राजीव गांधी की हत्या करने वाली भी उन्हें गाली नहीं दे रही थी, वो हाथों में फूलों की माला लेकर वहां पर पहुंची थी, हमें ये याद रखना होगा। अलका जी देखिए मेरे पास समय इतना ही था, आपका और संबित पात्रा दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए, इस बड़ी बहस में अपनी अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। प्रधानमंत्री की सुरक्षा सर्वोपरि है, किसी भी तरह की चूक को किसी भी लॉजिक से सही नहीं ठहराया जा सकता। प्रधानमंत्री की सुरक्षा सियासी डिबेट का मुद्दा नहीं है, इसे पार्टी हित से ऊपर उठकर सोचा जाना चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।